बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तुमसे पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं, लेकिन बात तो करते हैं, बनेगा कैसे? हमने देखा कि साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब कह रहे हैं, अगर मैं नहीं तो ये मुल्क नहीं चल सकता, अगर मैं नहीं तो न्यूट्रल्स भी ठीक नहीं, अगर मैं नहीं तो ये सिस्टम भी ठीक नहीं। तो ये मैं और खुद शख्सियत पसंदी कितनी ख़तरनाक है अवाम पाकिस्तान और मुल्क के लिए, इस पर बात करेंगे। हमने देखा कि माफ़ीनामा भी साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने जमा नहीं कराया, दोबारा जवाब दाखिल होगा क्या माइनस इमरान, और क्या साबिक वजीर आज़म इमरान खान साहब नाअहली की तरफ जा रहे हैं या कि फिर से उनको मौका मिल जाएगा और पाकिस्तान की अमली सियासत में वो अपना लोहा मनवाएंगे। दूसरी जनवरी में देखा कि सैलाब की तबाहकारियों के बावजूद खान साहब के जलसे रुकने का टाइम ही नहीं ले रहे। गुजरात में भी पावर शो है, लेकिन पावर शो में अवाम का जमे गफीर है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि खान साहब का नैरेटिव, खान साहब की सियासत अवाम में मकबूलियत पकड़ रही है? इस पर बात करेंगे। बात करेंगे कि सिंध, बलूचिस्तान और केपी के तब तमाम ही सूबों में सैलाब की बुरी सूरत हाल, सबसे खतरनाक सूरत हाल सिंध में, सिंध हुकूमत कितनी वहाँ पर एक्टिव है, इस पर भी बात करेंगे। विफाक में उनकी क्या पोजीशन है, तमाम ऊपर बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं, आप कराची की सियासत में काफ़ी एक्टिव हैं, आप NA 241 में इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, मंझे हुए पॉलिटिशियन हैं, नौजवान जियाले। मौज़म कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, बहुत शुक्रिया मौज़म आपने टाइम दिया, उनके साथ मौजूद हैं। आप सीनियर एंकर पर्सन हैं नादिया अनवार, वो भी तजिया देंगी आज की सूरत हाल से, आपका भी शुक्रिया नादिया। सबसे पहले सर मैं वफाकी सियासत पर बात करूँगा खान साहब के लिए, अब आप लोगों की स्टेटमेंट आ रही है क्योंकि इत्तेहादी हुकूमत है आपकी, नून लीग के रहनुमा कह रहे हैं कि जी खान साहब अभी भी लाडला है, तो ये अदालतों पर आप लोग असरअंदाज नहीं हो रहे? साजिद बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर मधु करने का। देखें सबसे पहले जो आपने अपने इंट्रो के अंदर बात की, मैं उसी बात को आगे लेके चलूँगा, और वो ये है कि खान साहब कह रहे हैं कि मैं नहीं तो ये हुकूमत नहीं चल सकती, मैं नहीं तो ये मुल्क नहीं चल सकता। इस शख्स की जो सियासत है वो मी, माय एंड माय सेल्फ के इर्द-गिर्द घूमती है। ये खुद पसंद अनापरस्त शख्स है और इसने इस मुल्क को जितना नुकसान पहुँचाया उसकी गवाही IMF ने भी दे दी। इन 3 सालों के अंदर मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान का तारीख तरीन दौर गुजरा है, ये 3 साल जिसके अंदर इसने हुकूमत की और पाकिस्तान को तबाही के अंदर धकेल के, जाहरी बात है इसको ये, लेकिन बात ये है, दुख इस बात का है कि अब तो इससे जान छूट गई है लेकिन फिर भी ये जान छोड़ने को तैयार नहीं है। इस वक्त मुल्क कुदरती आफात की जद में है और इस माहौल के अंदर, इन हालात के अंदर ये जलसों में लगे हुए हैं। बिलावल साहब ने बड़ी अच्छी बात की, मैं समझता हूँ कि वो इतने जीरक सियासतदान हैं कि उन्होंने ये बात की कि वो लोग जलसे करते रहें लेकिन हम आवाम की खिदमत करते रहेंगे, हम सैलाब के पानी से निमटते रहेंगे। आप ये देखें फ्रॉम द डे फर्स्ट, जिस दिन से सैलाब की सूरत हाल हुई, एमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होती है सिंध के अंदर, फ्रॉम द फर्स्ट डे हमारा सिंध हुकूमत के जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनकी पूरी काबीना वो आपको ग्राउंड पर नज़र आई, वो आपको जो है बारिशों के अंदर सैलाब के दौरान गांव-गांव घूमे और उसके बाद वहाँ पे मैक्सिमम रिलीफ जितना हम प्रोवाइड कर सकते थे। ऑब्वियसली हर हुकूमत की अपनी एक एक सर्कमस्टांसेस होते हैं। अच्छा मैं सैलाब पे भी आपसे बात करता हूँ, मुझे ये बताइएगा कि खान साहब को किन 4 लोगों से खतरा है? वो कह रहे हैं कि मुझे 4 लोगों से खतरा है, मैंने रिकॉर्डिंग भी कर दी है और आवाम ये नहीं छोड़ेगी उनको। खुद भी खान साहब कहते थे मैं नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अब आवाम उन 4 लोगों को, ये सिर्फ सियासी बयान हैं या कि वाकई उनकी जान को भी खतरा है? सर उनकी जान को किससे खतरा होगा, उनकी वजह से इस मुल्क की कौम और मुल्क और कौम की जान को खतरा है, इनकी वजह से। ही इज़ द बिगेस्ट थ्रेट फॉर द नेशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, और फॉर ऑल पाकिस्तानीज। मैं समझता हूँ इनसे बढ़कर कोई इमरान खान की सूरत में जितना बड़ा ख़तरा इस मुल्क को लाहक है, अल्लाह पाक उससे जल्द हमारी जान छुड़ाए। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक बात बताऊँ कि वो जो ये कह रहे हैं कि 4 लोग 3 लोग की खिसियानी बिल्ली खंभा नोचती है, बात यह है कि अगर उन वो सियासत के अंदर नाकाम हुए, बुरी तरह फेल हुए, वो हमने उन्हें जो घर भेजा वो एक आईनी तौर से भेजा, पार्लियामेंट के जरिए भेजा, और उसको वो तस्लीम नहीं करना चाहते, उनके अपने अराकीन के अंदर टूट फूट मौजूद है। जहांगीर तरीन की पूरी डिटेल आपके पास है, इनके जितने पंजाब के लीडर्स हैं वो आपके सामने हैं। ये समझते हैं परवेज इलाही को शायद वजीर आला बना दिया तो ये बहुत बड़ा इन्होंने तीर मार लिया। आप जाके देखें KPK के अंदर इनकी हुकूमत पिछले कोई 8-9 साल से है और 9 साल के अंदर इन्होंने KPK को क्या दिया, तबाही का दहाने पर पहुँचा दिया है।
तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान एक नाअहल तरीन वज़ीर आज़म साबित हुए और अभी भी एक नाअहल वज़ीर आज़म के साथ साथ एक नाअहल लीडर भी हैं। और अगर ये इस मुल्क और कौम के हकीकी लीडर होते तो आज सैलाब जदगान के साथ खड़े होते, आज सैलाब जदगान की रिलीफ के लिए अपना किरदार। वो कह रहे हैं कि मैंने टेलीथॉन की और मैं ये इनको क्या आवाम पैसे देगी, सबसे ज्यादा तो मैंने फंड रेजिंग की है। सर, टेलीथॉन इन्होंने की गरीब आवाम को, जिनके ऊपर ये बोझ डाल के गए टैक्सेस का, इम्पोर्ट बंद करके, गलत फाइनेंशियल पॉलिसीज की वजह से जो मुल्क को तबाही के ध्याने पे पहुंचा दिया इन्होंने, उन बेचारों को और क्या निचोड़ रहे हैं। लीडर तो बिलावल भुट्टो जरदारी है, जिसने एक घंटे के अंदर खरबों रुपए का जो है वो रिलीफ फंड जो है पूरी दुनिया से इकट्ठा करके इस मुल्क इस कौम की बेहतरी के लिए और अपने मुल्क को सिर्फ और सिर्फ बचाने के लिए जो है उन्होंने इकट्ठा कर लिया। तो मैं ये समझता हूँ कि उनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने हमेशा जब भी कहा है झूठ कहा है। और माजी के झरोखों के अंदर अगर हम देखते हैं तो आपके सामने उनके झूठ एक एक करके। पीटीआई से पूछ लेते हैं, पीटीआई के रहनुमा भी हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे पूछ लेते हैं। उससे पहले नादिया, आप तो आईएमएफ ने भी रिपोर्ट जारी कर दी, नादिया इस पर भी रोशनी डालिएगा कि आप तो आईएमएफ ने बता दिया कि माजी की हुकूमत ने जो मुआहदे किए थे लेकिन उस पर वो अमल पैरा नहीं हुई, उन्होंने उन मुआहदों में खुर्द बुर्द की और मिस कमिटमेंट की, तो इससे पाकिस्तान रियासत की साख को नुकसान नहीं पहुंचा? देखिए, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया साजिद कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बोलने का मौका दिया। और देखिए, जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि आईएमएफ ने, बिल्कुल सही बात है, जो दे रहा होता है और अगर वो कहते हैं ना पिछली हुकूमत के जो भी होता है वो जो मौजूदा हुकूमत होती है वो उसका खमियाजा भुगतती है। तो जाहिर सी बात है, जब 3 साल पहले इमरान खान की जब हुकूमत आई थी तो उन्होंने भी वही चीजें फेस की होंगी। सरीन अदनान हमारे साथ मौजूद है, मैं आपके पास आता हूँ, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, खुश आमदीद कहेंगे मैडम जी। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। अब तो आईएमएफ ने भी बोल दिया कि आपकी हुकूमत ने मिस कमिटमेंट की थी, आप लोगों ने उनसे वादा किया था कि आप पेट्रोल बढ़ाएंगे, फिर आप लोग मुकर गए उस वादों से, दीगर भी आपने कोड ऑफ कंडक्ट किया। अब आईएमएफ ने तो खुद से रिपोर्ट जारी कर दिया, हुकूमत नहीं कह रही, ये आईएमएफ कह रहा है, अब इसको आप तस्लीम करेंगे आप लोग कि वाकई आप लोगों ने रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? आप ये देखते हैं कि रियासत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि आवाम को फायदा देने की बात की गई है, ठीक है ना। ये कब से, मतलब आईएमएफ को जो मुसल्लत किया उसकी इतनी भारी भारी किस्तें और भारी भारी कर्ज लेके, तो क्यों गए थे फिर आप बीबी, आप लोग फिर गए थे ना? सुने ना, अब लेकिन फिनिश कर, ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो फिर आप सुन लें, जब मैं बात खत्म करूँ तो आप अपनी बात करें, ठीक है। थिंग इज कि आप ये देखें कि आईएमएफ के कर्जे जो है इनको महलात बनाने के लिए और सारा जो पैसा आया वो ट्रांसफर होके गया किधर, पाकिस्तान की आवाम के लिए तो नहीं गया, ना महंगाई कंट्रोल की गई, ना इन लोगों ने, जो पुरानी हुकूमतें थी, जब हमारी गवर्नमेंट आई तो हमने इतनी शानदार तरीके से चीजों को आगे लेकर चले और बहुत ऐसा तरीके से वो होती है, इनसे तो अब संभाल ही नहीं रहा, उनके मुफ्ता तो खुद आपस में ही, जो इनके जो वजीर खजर वो आपस में मजाक बने हैं, ठीक है, कोई उनके साथ ही कंसेंसस नहीं है, इनकी हर टीम जो है वो फेलियर साबित हो रही है, फेलियर लिटरली। ये अभी भी जो अगर किस्त आई है इसके भी तरक्की और देंगे, आवाम के बेनिफिट के लिए तो कुछ नहीं यूज होने वाला। अच्छा सरीना अदनान साहबा, आपने कहा कि हम 75 साल बाद आए और बड़ा हम बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान को लेके जा रहे थे, आप तो पीका ऑर्डिनेंस भी ला रहे थे, आप तो मीडिया पर कदगन लगा रहे थे, आपके दौर में कई साफी जेलों में थे, आपके लोगों में कई सियासी कैदी थे, और आपके ही दौर में महंगाई किस लेवल तक जाके पहुंची, और आज ये हुकूमत कह रही है कि ये सब आपने किया और अब आईएमएफ ने एंडोर्स कर दिया। अगर आप सहाफत पे या आजादी राय पे कदगन की बात आप इस सब दौर के बाद भी कह रहे हैं कि 4 महीने में सबसे ज्यादा साफियों के हलक बंद किए गए हैं, उनको टॉर्चर किया गया है, उनको उठा के ले गए हैं, उनको उनको इस तरह ट्रीट किया है हमारे सहाफी भाइयों को, वो नाम भी बता दें, क्योंकि कितने चैनल बंद हुए, निजी टीवी चैनल बंद है, वो तो रियासती मामला है, हुकूमत ने कितने सहाफियों को उठाया बीबी? देखिए मुझे पहले मेरे भाई बात तो करने दीजिए, माशाल्लाह दौर में भी जो है वो ऐसा नहीं हुआ है कभी सहाफत के साथ जो इन लोगों ने रवा रखा सुनो, यानी इसकी तो अब तो इंटरनेशनल मीडिया भी जो है वो बोलता है और वो आवाज उठाता है, तो ये इतना की बात ही ना करिए कि मतलब आंखें बंद कर ली जाए और उन हकीकतों से जो इस वक्त पूरी दुनिया के और बच्चे बच्चे की जबान पर है, सोशल मीडिया का इतना दौर हो गया है कि ये रोक ही नहीं पा रहे सच्चाई की आवाज, इनसे बस की बात नहीं रही है, तो मजाक बने हैं।
तो खान साहब चले ये भी बता दें, खान साहब को किन चार लोगों से खतरा है अभी भी आपके इल्म में है? जी खान साहब कह रहे हैं मुझे चार लोगों से खतरा है और उनके नाम भी बता दूंगा। देखिए जब खान साहब बात करेंगे तो वो तो फिर माशाल्लाह दुनिया सुनती है उनकी और वो हकीकत से मबनी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चले आप कॉल पर ही रहे, हुकूमती नुमाइंदे भी यहाँ मौजूद है, मौजम कुरैशी सर, वो चार लोग कौन है? आप खान साहब को सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, साबिक वजीर आजम है। खान साहब तो अपने दौर में जाते जाते गाड़ी भी ले गए, आपको अच्छी तरह पता है, घड़ियां बेच गए, सारे मामला आपको सारी चीज़ें पता है, हम उनको क्या सिक्योरिटी फराम करें, वो उनको जितनी सिक्योरिटी फराम करनी चाहिए उससे ज़्यादा ही सिक्योरिटी उनके पास ऑलरेडी है। और रही बात, वो प्रो पीपल तो है नहीं, तो आवाम में उन्होंने निकलना नहीं है, जितने टाइम वो वज़ीर आज़म रहे बनी गाला के अंदर से ही हज़ारों से लाखों लोग उनके जलसों में हैं सर। सर अब ये इन्होंने अभी सोशल मीडिया की बात की, कितने बिलियन डॉलर्स ये इन्वेस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया के अंदर, इस मुल्क के मजबूत चेहरे को मस्क करने के लिए, जो ये एंटी स्टेट मैं समझता हूँ कि जो काम कर रहे हैं वो देख रहे हैं इदारे और सारी चीज़ें देख रही हैं और रियासती इदारे जितने भी हैं वो देख रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आप अगर ये आवाम की बात करते हैं कि आवाम लाखों की तादाद के अंदर मौजूद है, तो आई डोंट थिंक सो लाखों की तादाद में इनके जलसे फेल होते नज़र आ रहे हैं। इनकी पिछली मीटिंग के अंदर लोग नहीं थे, जिसके अंदर आपने देखा वो वीडियो कितनी वायरल हुई, जिसके अंदर वो कह रहे थे कि पहले लोग तो आने दो उसके बाद खान को बुलाना, कुर्सियाँ खाली थी। तो साजिद भाई ऐसा नहीं है, किस तरीके से पैसे दे के लोगों को लेके आते हैं, जाहिर बात है गुर्बत है, गरीब लोग हैं, उनसे गाड़ियां भरवा के ले आते हैं और उसको ये खुद साख्त। असल में देखें सोशल मीडिया पे किसी को अगर आप लीडर बनाने की कोशिश करें, खुद साख्ता लीडर जिसे हम बोलते हैं, तो वो पीपल जैसे अवामी लीडर नहीं होता, अवामी लीडर इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी हैं जो लोगों के दरमियान मौजूद हैं, लोगों की तकलीफ के अंदर उन्होंने अपना फॉरेन का ट्रिप कैंसिल करके गरीब आवाम के दरमियान खड़े हैं, लोगों से गले मिल रहे हैं, लोगों के घर पे जितना मुमकिन हो सके राशन पहुंचा रहे हैं, मच्छरदानियां पहुंचा रहे हैं, टेंट्स पहुंचा रहे हैं, बच्चों को गोद में लेके उनको जो है वो कोशिश प्रोवाइड कर रहे हैं। लीडर जुल्फिकार अली भुट्टो था जिसने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी, सूली पर चढ़ गए, इनकी तरह नहीं कि केपीके जाके बैठे रहे ये, ठीक है, और मदद मांगते रहे। सरीना ठीक है, सरीना रिस्पोंड करें लास्ट में, और आप पे तनकीद भी की जा रही है कि आपको सैलाब जदगान के साथ होना चाहिए था और आप जलसे कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। बताएं कि क्या ये अवामी का तो मेला है, ये तो गलत बयानी से मेरा भाई काम दे रहे हैं इस बारे में। हमें सबको पता है कि ये अवाम का जो है खरोश है, जो अभी आप ये देखें कि एनएजी 245 का इलेक्शन हुआ है, इसमें भी जो है शानदार जो है पता हासिल हुई है पटकर तरीके से आपको, और ये लोग अब डर गए घबरा गए, उनकी जो कह रहे वो अचानक गौर किया फॉरन का ट्रिप कैंसिल करके, अरे क्या हो गया फॉरन का ट्रिप, क्या यहाँ हालात देखे, या सिंध जो है एड्स से खत्म, लड़काना न्यारी गैंग वॉर से खत्म हो गया, तो इनकी मदर हब थी वोट बैंक की, ठीक है। अब हम गए हैं यहाँ से इमदादी सामान लेके, वहां अब आपने देखा कि जो खान साहब ने जो टेलीफॉन जो पूरी जो एक उन्होंने जो पूरे तरह कितना अरबों रुपया जो है वो जमा हुआ है, क्योंकि ये लीडर साफ और शफाफ है, दुनिया भरोसा करती है उन पर, और स्थानीय निश्चित नहीं अब इंशाल्लाह ताला शफाफ तरीके से ये सामान ये सब कुछ जो है वो आवाम तक पहुंचने का हो रहा है। हम लोग कराची से लेकर गए, ये सब दिखावा रहता है जो उन लोगों का था, फिर इस हालत पे है ही क्यों, मैं तो ये कहती हूँ ना डैम बनाए इन्होंने पिछली हुकूमत से जब बहुत सस्ता था, ठीक है बन सकते थे पैसे तो ये जमा कर रहे थे साकिब निसार के साथ, वो पैसे कहाँ चले गए, बातें कर, कोई इन पर ट्रस्ट नहीं करता, आ खान के नाम पे लाखों रुपए जमा कर चुके हैं, आज हिसाब मांगो है नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे, ब्लैक का पैसा सारा व्हाइट करने का बहाना है, पीटीआई है क्या, आप गलत बात नहीं करें ना, आदाब गुफ्तगु अपनी जगह पर गलत बात नहीं करें ना बीबी, सच बोले, नेशनल टीवी है, ये तो आप ये देखिए, ठीक है, मुझे मुझे सिर्फ आखिर में बीबी लास्ट में मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए जहाँ पूरा पाकिस्तान आप इसको तस्लीम कर, मेरे भाई इस लाखों का तो मैं बात कर रहा हूँ अभी, मुझे बीबी सवाल तो करने दें, जरा तवक्कुफ तो करें सरीना, यही तो प्रॉब्लम है इनका, सियासी तरबियत नहीं है, गली मोहल्ले से इनको पता ही नहीं है क्या करना है, बात क्या करनी है, ये हालात है आपके। आखिरी आपसे सवाल पूछना है, गुजरात में आप जलसा आज कर रहे हैं, सरगोधा में आप कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए जलसे कर रहे हैं, ये जब आप जलसे कर रहे हैं तो आवाम तो आप पे तनकीद कर रही है, तो आज तो आपको पानी में उनके साथ खड़े होना चाहिए था, कहाँ खड़े, तो जलसे कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ खड़े, रोजाना के हिसाब से रोजाना खड़े हैं।
जो है जो तमाम जो इलाके हैं जहाँ पे सैलाब हुआ है हमारी बिल्कुल ये तो दिखाने नहीं देते ना। मसला ये है कि इन्होंने सारे जो चैनल्स को जो वो थे इन्होंने पाबंदी लगा दी है, एंकर्स का बुरा हाल कर दिया इन्होंने हम सच दिखाने पर, लोगों को मुल्क छोड़ के जाना पड़ा है। मेरे भाई आपको वेनिस चैनल को भी आवाज उठानी चाहिए इस बात पे कि आप देखें आपके भाई बंदों के साथ हो क्या रहा है इस वक्त, कितने जो है वो चले गए सहाफी सच बोलने के पादाश में। कौन सा नाम बता दे, कोई नाम तो पूछे इनको, कोई एक नाम। मैं आपको इनके दौर के अंदर इन्होंने जो साफियों पे किया मैं एक एक नाम गिनवाता हूँ आपको। मतीउल्लाह जान के साथ क्या किया, असद अली तूर के साथ क्या किया, हामिद मीर के साथ क्या किया, ये मुझे एक नाम भी गिनवाए। बातें करने से मफरूजों की बुनियादों के ऊपर सियासत नहीं होती। बीबी आप पहले पूरी अपनी फैक्ट्स एंड फिगर्स ठीक करें, फिर उसके ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे। तिफले मकतब है, बिल्कुल थोड़ा ख्याल करें। चले ठीक है बीबी, बहुत शुक्रिया आपका, आपका 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 शुक्रिया सरीना अदनान साहब, आपने पीटीआई का मौकिफ दिया, बहुत शुक्रिया आपका। नादिया आपने दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की बातें सुनी, अब मुझे बताइए कि सैलाब की क्या पोजीशन है, और सैलाब में हमारी इतलात के मुताबिक सिंध हुकूमत ने मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में अपने लोगों की टीमें बनाई हैं जो कि उनकी वो जो उनका मवेशी है या जो उनके घर गए उनके नुकसान का अजाला करने के लिए तगोदो कर रही है, सेटिस्फाई हैं? देखिए साजिद, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि हमारी सेटिस्फेक्शन ज़रूरी नहीं है, वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो सेटिस्फाई नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता ठीक है, पॉइंट स्कोरिंग भी हो सकती है, ये देखिए वो सब बात की बात है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं ठीक है, हम यहाँ पर बैठ के बात कर रहे हैं, लेकिन जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं जो इस चीज़ से गुजर रहे हैं वो खुश नहीं है। ठीक है, एक कुदरती आफत है, किसी के बस में नहीं है, हुकूमत की भी एक लिमिट है करने की ठीक है, तो पूरा ब्लेम हम उन्हें भी नहीं देंगे, लेकिन लोग तो मसाइल में हैं, उनको उसका हल चाहिए, लेकिन वो आपने खुद देखा है कि आगे आगे आपका पॉइंट। इखलाक हाशमी साहब खुश आमदीद कहेंगे, नू लीग से आपका ताल्लुक है, क्या आप सुन सकते हैं? ठीक है क्या आप जी? इखलाक हाशमी साहब, IMF ने आज बता दिया कि माजी की हुकूमतों ने मिस कमिटमेंट की थी, तो एक तो हो गया ये, दूसरा ये खान साहब कह रहे हैं कि चार लोगों से मुझे खतरा है, तो अब आपकी हुकूमत क्या करने जा रही है? देखिए हुकूमत हमारी इंशाल्लाह मजबूत होती जा रही है, दहशत को मजबूत करते जा रहे हैं, और जो आप पाकिस्तान के आवाम से वादा किया था वो पूरा करते जा रहे हैं। बाकी जो लोग शरारती थे, जिन लोगों ने मुल्क की मैशत को तबाह किया, जो लोग इस मुल्क की मैशत को तरक्की को नहीं देख सकते, वो अपना काम कर रहे हैं, वो जलसे कर रहे हैं, उन्हें कोई फुर्सत नहीं है जलसों से, और पाकिस्तान के अवाम जो है सलाह में फंसी हुई है पूरी तरह से, और तमाम पूरा पाकिस्तान इससे परेशान है, लेकिन एक शख्स ऐसा है कि जो सिर्फ वो जलसे में जलसे कर रहा है, उसे कोई परवाह नहीं है कि अवाम जाए बाहर में, और वो यहाँ तक भी उसने किया कि पाकिस्तान के जो कर्ज मिलना था IMF से वो भी रोकने की कोशिश हुई, और तमाम वो उनकी शौकत रीन की और KP के वजीर खजाना की बातें तमाम सामने आ चुकी हैं। अच्छा, तोहीन अदालत के मामले पे बहुत सारे लोगों को सजाएं हुई, क्या आपको लगता है कि खान साहब भी उस रेडार में आएंगे? नहीं, ये लाडला बच्चा है, और सबने देखा कि इस्लामाबाद के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवैया के साथ कैसा था, वो टांग पर टांग रखे बैठा और तस्वीर काटा था, ये ऐसे कहा जाता है कि मेहरबानी करें आप माफी मांग लें, जो ना मेहरबानी करें माफी मांग लें, सब तमाम लोग देख रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम देख रही है, और तमाम चीजें सोशल मीडिया पे और टीवी चैनल पे आ चुकी हैं, तो ये तो दोनों मिजाज है, एक तरफ हमारे जो कायदे नवाज शरीफ जिसे उनके बेटे की तनख्वाह लेने के ऊपर यहाँ जो ना उन्हें अपना कर दे, और वो बैठे में उनका केस ही सुनने जा रहा है, अच्छा पंजाब गवर्नमेंट का केस ही सुनना जा रहा है, तो लगे नहीं कि लाडला के केस रोकने लग जाते हैं और उन्होंने कोई अमल दरामद हो रहा है, तो ये सारी पब्लिक देख रही है कि दोगला अपनाया, ये दोगली पॉलिसी अपनाई जा रही है, और वो लाडला है अभी तक नहीं, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका इखलाक हाशमी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मौजूम साहब लास्ट मुझे बताइएगा, अब सैलाब मुतासरीन को आप 25-25 हजार दे रहे हैं, जहां तक मेरी नॉलेज है ऐसा ही है, तो क्या वो 25 हजार रुपए काफी होंगे उस घर के लिए?
देखें साजिद, हमारी कोशिश है ज्यादा से ज्यादा रिलीफ प्रोवाइड कर सके, जिसमें राशन की सूरत में, बाकी और जो जरूरियात है उस सूरत में, और कैश इन हैंड भी दे रहे हैं। मैं साजिद आपके, मतलब जाहिर बात है प्रोग्राम एंड पे, मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहूंगा कि सियासत करने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, पूरी हर हम सियासत करते रहेंगे, ये वक्त सियासत का नहीं है। बहुत संजीदगी के साथ बिलावल साहब ने बात की कि ये टाइम, ये वक्त सियासत का नहीं है, ये वक्त इस वक्त कौम के साथ खड़े होने का वक्त है। और मैं आपकी टीवी के तवस्सुल से जो लोग जलसों में जा रहे हैं, या जो लोग जाहिर बात है उसके अंदर वो जो पैसे दे के बुलाते हैं या जो भी व्हाटसो एवर, तो वही पैसे वो जिस रक्षे में या किसी टैक्सी में वो पैसे वो सैलाब जदगान के लिए दें, अपने उन पाकिस्तानी भाइयों के लिए दें जो आज बेयारो मददगार वहाँ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत अपने तई जितना हो सकता है कर रही है, लेकिन लाखों करोड़ों की आवाम। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटर कराची की टीम में भी आप हैं और पूरी कराची में आप विजिट करते हुए भी नजर आते हैं, सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव होते हैं, ग्राउंड पर आप कई फ्लाई ओवर के संगे बुनियाद और सड़कों की तामीर के लिए आप अमल पर हैं, जो कि मानसून में जिनका बुरा हाल हो गया था, आगे क्या सरप्राइज देंगे, कितनी तरक्की तामीर कराची में हो रही है? और सेकंड ये बताइएगा, जो लोग यहाँ माइग्रेट होकर कराची में आ रहे हैं, जो टेंट सिटी आप लोग बना रहे हैं, उनको यहाँ पे अकोमोडेट कर रहे हैं, कहाँ करेंगे, कितने लोग हैं? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कराची के हवाले से। कराची को एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब साहब ने जितना काम इस कम टेन्योर के अंदर किया, मैं समझता हूँ कराची की तारीख में कभी इतना काम नहीं हुआ। और दूसरी चीज़, मैं आपको एक और बात बताऊं कि इस वक्त 157 नए मेगा प्रोजेक्ट्स इस कराची के लिए इस बजट के अंदर रखे गए हैं, जो तकरीबन मोर देन कमो बेश 18 बिलियन से ज़्यादा की अमाउंट है, जो कि सिर्फ और सिर्फ कराची। इसीलिए हमेशा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हमारे चेयरमैन साहब, फरमाते हैं कि कराची को मैं ओन करता हूँ और कराची हमारा है और हम कराची के हैं। तो एक तो ये है कि तरक्याती फंड्स के हवाले से, फिर रोडें, इस वक्त बारिशें जिस कदर हुई आपने देखा, रिकॉर्ड तोड़ बारिशें हुई, 10-10, 20-20 साल का रिकॉर्ड टूट गया। और इन बारिशों के अंदर भी दिन हो या रात, हम रोडों पे आपको नज़र आए, हम रोडों के ऊपर रिलीफ प्रोवाइड करते रहे, रोडें बनती रहीं, रोडें मतलब जो जिन रोडों पे इस वक्त बारिशों का पानी खड़ा था उन्हें हमने निकाला सब। अब जिधर पे पैच वर्क होना है वो स्टार्ट करवा दिया है, रोडें रिहैबिलिटेशन की तरफ जा रही हैं। पार्क्स हमने आपके सामने कितने किए, आप देखें, हमने वर्ल्ड बैंक के साथ जो हमारा क्लिक का प्रोजेक्ट है, कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट है, उसके साथ जो हमने फिशरमैन राउंड अबाउट हो गया, हमारे कोरंगी की अगर बात करते हैं, फ्लाईओवर्स आपके सामने 9000 रोड, 12000 रोड, 8000 रोड, अगर आप यूनिवर्सिटी रोड की बात करते हैं, आप मौरीपुर रोड की बात करते हैं, आप शारिफ फैसल के एक्सटेंशन की बात करते हैं, सारिक रोड की बात करते हैं, बादराबाद की बात करते हैं, आप जो नाम लेंगे इलाके का, मैं आपको बता सकता हूं। आज मौजम को एक लीडर है आप पोलिटिकल पार्टी के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, हमारी भी ये कोशिश होती है कि पोलिटिकल पार्टी के रहनुमा दलाल के साथ बात करें, अपनी परफॉर्मेंस बताएं, अपनी सर्विसेज बताएं कि आप क्या कर चुके हैं और क्या करने जा रहे हैं। अवाम ये सुनना चाहती है कि आपकी पॉलिसी में और क्या क्या चीजें ऐड है जो कि आगे साल बाद, दो साल बाद हमें मिलेंगी। मेरे इल्म में यह है कि जितना इन्होंने बताया, अभी मैं, क्योंकि मैंने इनको रोक दिया, गुलिस्तान जौहर में भी अंडरपास बन रहे हैं, वहां पर भी फ्लाई ओवर बन रहे हैं, तो अब ट्रैफिक का आज का युवा बात का इफ्तिताह किया है, एक्सप्रेसवे जो बलोच कॉलोनी तक आता है उसका इफ्तिताह किया है, कोरंगी कयुमाबाद से लेकर क्रॉसिंग तक के लिए हम जो नदी बह जाती थी लियारी, वो आपको पता है मलीर नदी की, वैसे उसके लिए पूरा एक नया हम लेके आ रहे हैं ब्रिज। तो काम इतने हो रहे हैं कि कराची ने कभी तारीख में इतने काम नहीं देखे। और नेक नियति के साथ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क्यादत के अंदर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, मुर्तजा वहाब साहब और हमारी तमाम पार्टी, नासिर हुसैन शाह साहब, बाकी भी तमाम लोग सब अपने तई लगे हुए हैं। और कोशिश यही है हमारी कि ज्यादा से ज्यादा हम जो है वो आवाम को रिलीफ प्रोवाइड करें, क्योंकि पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान है तो हम हैं, और आपके प्रोग्राम का नाम भी है तुमसे पाकिस्तान, तुमसे पाकिस्तान। मौजम, बहुत खूबसूरत बात की और यही कोशिश होती है कि मजबूत बात की जाए और मजीद मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान की बात की जाए, सिर्फ सियासी शख्सियत परस्ती में या कि ब्लेम गेम से बाहर हटकर आप परफॉर्मेंस की बात करें। अब सोशल मीडिया का दौर है, अब आप काम करेंगे तो ये आवाम आपको मुंतखब करेगी। इस उम्मीद के साथ कि मेरा मुशादोबाद रहे, साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।